तो ये देखिए ऑनलाइन एग्जाम के साइड इफेक्ट्स, वहाँ एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे एक्सपर्ट बैठा हुआ है एग्जाम में सपोर्ट करने के लिए, वेरी हेल्पलाइन गुड हेल्पलाइन हेल्पलाइन पास में बैठा, फोन ऑफ फ्रेंड की भी जरूरत नहीं है, और यह उसके बगल में ये अपना ब्रेकफास्ट खत्म फिनिश कर रही है। बैक टू एमएल लाइफ, और ये हाल है आजकल के बच्चों का, क्या होगा इनका भविष्य? तो वैसे ये सिर्फ टेस्ट हो रहा है, सिंपल सा जो क्लास टेस्ट होता है वो हो रहा है, और फाइनल एग्जाम 28 से शुरू होगा, 28 से। तो होली, मुझे लगता है कि होली से पहले या होली तक खत्म हो जाना चाहिए, देखिए क्या होता है। तो बच्चे अब क्या पढ़ेंगे, सबको घर बैठे सब कुछ हो रहा है, नहीं तो अगर अगर असिस्टेंट नहीं है तो गूगल है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ है। वैसे बाबू किसी चीज का हेल्प लेता नहीं है, वो खुद ही सारा चीज कर लेता है, मैं तो बस बैठ के उसको देख रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे। ऐसे कितना आराम हो जाता है एग्जाम देने वाले को ना, वेदिका ना कितना ईजी है ना। हाँ ये तो डांस कर रही है, कौन सा डांस कर रही है वेदी? हाँ करो सामी ओ सामी ओ सामी ओ सामी ओ सामी। कमर दरवाजों के कलर स्टार्ट हो गए हैं और बैठ काम के देख रही हैं। हो चुका है, अब मस्त, पूरे घर अब मस्त खुशबू फैल चुका है पूरे घर में, सर दर्द वाला। हाँ क्योंकि क्योंकि दरवाजे की पेंटिंग वो तारपीन के तेल से मिक्स हो रहा है, तो तेल की खुशबू चारों तरफ फैल हुई है, बहुत मजा आ रहा है। खुशबू ये सर पे चढ़ जाता है महक ना तारपीन तेल का। और ये काम वैसे पूरा खत्म हो चुका है, बस इस रूम में सेकंड कोट लगना बाकी है, बाकी सब जगह हो चुका है, फिर भी हम लोग अस्त व्यस्त हैं अभी। नहीं जब तक ये फाइनल होगा तब तक अस्त व्यस्त ही रहेंगे। कल बोल रहे हैं कल बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री कर देंगे सफाई वफाई के साथ, देखते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, नींद ले रहा हूँ बैठे बैठे। ये बैठे बैठे देख के ऐसे नींद भी लिया जा सकता है, ऐसे करके नींद ले रहे हैं? नहीं मैं तो खड़े खड़े भी नींद लेता हूँ। एक दोस्त था, उसका नाम था प्रसन्नजीत देशमुख। वो उसके पापा आ रहे थे पार्टी से, मतलब रात को, बचपन की बात है ये, रात को पार्टी से आ रहे थे। एक मिनट कैमरा घिसा हुआ है। हाँ तो कहानी को पूरा कीजिए। तो ऐसा था कि वो लोग आ रहे थे पार्टी से, बहुत साल पहले की बात है, जब हम लोग छोटे छोटे थे, और उसके पापा आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे चल रहा था पार्टी में, खाना पीना खा करके, बंगाली थे वो लोग। तो उसके पापा चले आए घर पे, अब फिर पता चला कि जब वो तो आया ही नहीं, कहाँ गया, उसने लगा वही वापस, लगता है वहाँ से चला नहीं, वापस जब चलने लगे तो रास्ते में वो चलते चलते खड़े खड़े ही सो गया था। सही बात है, वो खड़े खड़े ही सो गया, और फिर तब उसे जाके उठा के वो खड़ा हिलाया और फिर साथ में लेके लाया गया। ऐसे लोग प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस बस में जर्नी कीजिए, लोकल बस में लोग ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे पकड़े भी नहीं होता, ऐसे खड़े रहेंगे सो जाएंगे, लोकल ट्रेन में भी। हाँ तो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंसान को, मतलब सोने की तकलीफ ना हो, जगह खोजना ना पड़े, है ना ऐसा। जब मौका मिला तब सो लो, जब मौका मिला तब सो लो। यहाँ पे ग्रिल का कलर हो रहा है, और वेदिका तुम दूर रहो नहीं तो पूरा तुम्हारे स्वेटर में लग जाएगा पेंट। हाँ क्या देखोगी? अच्छा तो संडे तक काम फिनिश होने का चांसेस है, आज सेकंड रूम में भी सेकंड कोटिंग लग रही है, वो लग जाएगी तो उसके बाद काम अच्छा, खत्म। सुबह उठ के वो कहानी सुना रहा है हमें वही प्रसन्नजीत देशमुख। क्या फिर आधा कुछ कहानी सुनाई दे दिया? सुबह बोलता ओरे बाबा मैं तो रात को रास्ते में सो गया था। ये क्या अभी अभी बनाया है आप? ये कहानी मेकर है, तुरंत कहानी बना लेते हैं, तुरंत कहानी बन जाती है। कहानी ऐसा बचपन की स्टोरी, इंटरेस्टिंग। कैसे बोला, कैसे था? ऐसे बोलता था, मिठुंदा का सिनेमा, ओए मिठुंदा, ऐसे ही बोलता था जोर से, ये मिठुंदा, सबको मार दिया। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन नहीं बोलता था, अमिताभ बच्चन। हमारे से मिट्टू अमिताभ जितेंद्र ये सब की मूवी बहुत चलती थी ना, सहंसा खुद वो खुदा गवाह ये सब बहुत सारे मूवी सब आती थी, तो उस समय उसी की मूवी चलती थी, मिट्टू चक्रवर्ती के बहुत सारे मुद्दत पता नहीं बहुत सारे, मिट्टू चक्रवर्ती का लाइन लगा रहा था उस सिनेमा का, स्टार था उस समय। जरा फिर से दिखाओ, फिर से दिखा रहे हो।
फिर से दिखा दो. काइंड ऑफ कथकली. व्हिच काइंड ऑफ कथकली इज दिस? बेब को बनाओ लोगों को. असामी 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 वेदिका के सामने सिप कीजिए. ओसामी ओसामी मुझे सामने वाला ही डाल. वहां से हट जाओ, उसमें कलर है. ऐसे ऐसे करते करते डूब से गिर जाओ. ऐसे कलर है, ऐसे करते करते डूब से गिर गई. ओसामी करो, ओसामी करेगी. मुझे कास्ट आता है. ये वाला कमरा भी हमें मिल गया है, लेकिन यहाँ पर भी चल रहा है सफाई, क्योंकि जितनी गंदगी फैली है वो गंदगी को साफ करना जरूरी है. तभी हम लोग पलंग इधर धो रहे हैं ताकि जितने डस्ट है वो निकल जाए. देख रहे इतना पत्ता पत्ता झाड़ू देने पर उड़ने लगता है वो. तो पानी डाल दो सब उसमें मिल जाते हैं. तो उस झाड़ने से अच्छा है कि पानी डाल डाल के धो दो. ये सब देख रहे हैं, दो एक दो पैचेस लगे हुए हैं. अभी सूखा नहीं है ये, अभी जस्ट अभी हुआ ही है. लेकिन ये जहाँ थोड़ा फूल गया था ये फिर उस पर फिर से पुट्टी किया गया है, और वो सूखेगा तो फिर उसके ऊपर कलर हो जाएगा. इधर का वाल हमारा थोड़ा सीपेज था इसीलिए थोड़ा गीला गीला था, बट ये सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा. तो धुआं ले या क्या करो? हाँ पेंट लेना है थोड़ा सा. चलो वेदिका बाय बाय, चल रहे. कुछ लाना है क्या? गोलगप्पा खाना है? 20 गोलगप्पा. हाँ तो 30 गोलगप्पा लाओ. मैं हूँ ना गोलगप्पा, खा लो मुझे. अरे झोला ले या क्या करो, गोलगप्पा हाथ में ही आ जाएगा. चलो 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 जल्दी वॉक करने, लेट हो जाएगा. सामान पता नहीं कहाँ कहाँ रख दिए, कुछ मिल ही नहीं रहा है. अभी हम लोग गोलगप्पा लेने आ चुके हैं. वेदिका ने जैसा कहा आप लोगों ने देखा कि गोलगप्पा ले आना, हमारे पास नहीं गोलगप्पा, यहाँ मिल रहा है यहाँ से ले रहे हैं. और मैं गई थी पार्लर, बट लड़की ही नहीं आई. तुमको देख के भाग गए क्या? डर गए? तो नहीं आया वेदिका, मिला ही नहीं. नहीं आया मेरी का, वो गोलगप्पा नहीं है, वो तो पानी पूरी है. मिला ही नहीं मेरी का. वेदिका वेदिका अपने भैया के वीडियो के लिए कंटेंट क्रिएट करती है. गोलगप्पा खाना है, गोलगप्पा भैया गोलगप्पा आ गया, जल्दी वीडियो बनाओ. हे गोलगप्पा आ गया. यस बहुत क्यूट है. गोलगप्पे का पानी कौन पीता है? कौन पीता है? वेदिका पीती है गोलगप्पे? मैं और गोलगप्पे का पानी, मुझे गोलगप्पा ज्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी उन लोगों के साथ मैं खा लेता हूँ, है ना. झूठे बोले, कौवा काटे या तो मम्मी काट लेगी. कहाँ से कौवा आया, कहाँ से? मम्मी काट लेगी. मम्मी काट लेगी. बचपन में गोलगप्पा 150 गोलगप्पा खाया था. नहीं अब मम्मी अब मम्मी दो बार काटेगी. पर मानते नहीं मेरी बात. ये लो क्या मस्त चोखा है, ये पूरा मैं कहूंगा. गोलगप्पा ना वही ठेले पे खड़े होके खाने में मजा आता है. हाँ बिल्कुल सही कहा. और अभी अभी मैंने एक गोलगप्पा है, इतना साउंड किया, मुझे लगा आप लोगों को ये साउंड सुनाना चाहिए. देखो एक खाली कुछ में डाला नहीं. अब पानी के साथ चोखा मिला के देखो. तोड़िए अब इसमें डालिए चोखा. इसमें डालिए चोखा. बाबा 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 बाबा. और गोलगप्पा में डालिए पानी. आज मैं आप लोग गोलगप्पा खाना सिखा रहा हूँ. देखिए पानी आया, ये गोलगप्पा में कर. मुंह खोलो आ गया. ऐसा मत करो, लोगों को लाट टपक जाएगा. वो भी गोलगप्पा खाने लग जाएगा. ये लड़की पूरा अपना ले लिया, देखिए और सिर्फ पानी के साथ खाती है. 11 और वो शांति से चुपचाप खाया जा रहा है. कितना खाएगा पता नहीं. उसने 9 लिया. के चलो हम लोग फिनिश करते हैं इसको.
बंद करते तो पूरा मुंह ऐसे पूरा पानी पानी हो जाता था गोलगप्पा का पानी ऐसे जब छोटे थे हम लोग तो मुंह में कम खाती थी शरीर को ज्यादा खिलाती थी नहीं पूरे शरीर पे चूता रहता पूरा मुंह ही जलते रहता था मुझे भी देख के लगता था वैसे ही खाते थे तीखा खाती हो कलकत्ता में बिल्कुल जीव से आंख से सब जगह से पानी निकलता होगा वेरी गुड बहुत अच्छे तो हम लोग गोलगप्पा खा रहे हैं मैंने तो खा लिया ये लोग अभी खा रहे हैं मजे कर रहे हैं भैया भी खा लिया है तो इस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और कल तक हमारा घर का काम खत्म हो जाएगा फिर 2-3 दिन सफाई उसके बाद हम लोग कहीं निकलने वाले हैं कहाँ निकलेंगे वो सरप्राइज रहेगा कहीं ना कहीं से निकलेंगे और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय बाय।